हमारी आज की कहानी है माँ दादाजी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही उदास स्वर में खुशी ने नेहा से कहा, मम्मी दादाजी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दादा तो कभी प्यार से बात ही नहीं करते। इतना बोलते बोलते खुशी के भोले से चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। उसका चेहरा देखकर नेहा का कलेजा फट गया। उसे अपने ससुर जी की सोच पर बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगी कि घर में एक कुत्ता पालें तो एक वक्त बाद उससे भी प्यार हो जाता है। लेकिन खुशी तो 6 साल की हो चुकी है, ससुर जी को उससे लगाव होना तो दूर, वो तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हर वक्त बस उसे देखकर मुंह बिगाड़ना या उस पर चिल्लाना, उससे लड़ाई करना। आखिर कब बदलेंगे ससुर जी? दरअसल आज से कुछ 10 साल पहले नेहा और सौरभ की शादी हुई थी। उनकी लव मैरिज थी। सौरभ और नेहा के पापा आपस में दोस्त थे तो घर आना जाना लगा ही रहता था। दोनों परिवारों को पता ही नहीं चला कि कब सौरभ और नेहा को एक दूसरे से प्यार हो गया। बस प्यार का पता चलते ही घर वालों ने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी। शुरुआती 2 साल तो बहुत ही अच्छे से निकल गए। फिर बढ़ा बच्चे का प्रेशर। दोनों ने भी सोचा कि बच्चा टाइम पर हो जाए वही ठीक है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। पर उनको क्या पता था कि आगे उनके जीवन में क्या मुसीबत आने वाली थी। जब उन्होंने बच्चा प्लान किया तो पता चला कि नेहा कंसीव नहीं कर पा रही है। 1 साल और इसी कोशिश में निकल गया। फाइनली जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि प्रॉब्लम सौरभ में है, नेहा में नहीं। नेहा ने किसी को भी ये बात पता ही नहीं चलने दी कि सौरभ में दिक्कत है और वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसने सारा दोष खुद पर ले लिया और सौरभ को भी एक तरीका बताया जिसमें कि बच्चा भी मिल जाए और घर वालों की इच्छा भी पूरी हो जाए। वो तरीका था न्यू बॉर्न बेबी को अडॉप्ट करने का, यानी पैदा होते ही बच्चे को गोद ले लेना। सौरभ को तो आइडिया अच्छा ही लगा, पर उसके घर वालों को नहीं। कोई सहमत नहीं था इस बात से। सबको लगता कि हमारा ही खून होना चाहिए। खासकर सौरभ के पिता तो इस बात के सख्त खिलाफ थे। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ सौरभ और नेहा को ही पता थी, इसलिए उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर एक मासूम बच्ची को गोद ले लिया। बच्ची सिर्फ 2 दिन की ही थी। बच्ची को देखकर नेहा खुशी के मारे रोने लगी। इधर सौरभ की भी आंखों से आंसू आ गए। दोनों ने सोचा कि तो क्या हो गया, हमें अपनी औलाद नहीं हुई। इस मासूम बच्ची को उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, लेकिन अब हम इसे बहुत प्यार देंगे। सभी घर वालों के विरोध के बावजूद नेहा और सौरभ ने बच्ची के स्वागत में भव्य आयोजन किया और बच्ची का नाम खुशी रखा। अब नेहा के प्रति घर वालों का रवैया बदलने लगा। ससुर जी तो नेहा के पूरी तरह खिलाफ हो चुके थे और उन्होंने उस 2 दिन की बच्ची को अपने हाथ में तक नहीं लिया। अपने पिता और बाकी परिवार वालों का ऐसा रुख देखकर सौरभ का मन करता कि वो सबको सच बता दे, लेकिन नेहा उसे अपनी कसम देकर रोक लेती। उसे लगता कि जब घर वालों को पता चलेगा कि खोट सौरभ में है तो वो सह नहीं पाएंगे। अब सौरभ परिवार वालों से खिंचा खिंचा रहने लगा, सबके साथ कम ही बैठता था। नेहा खुशी के पालन पोषण में लग गई। धीरे धीरे सभी परिवार वालों में भी खुशी के प्रति प्यार जागने लगा। धीरे धीरे सब ने उसे अपना लिया सिवाय ससुर जी के। वो खुशी से हमेशा बहुत दूर रहते, ना कभी उसे खिलाते, ना प्यार करते और ना ही उसकी तरफ देखते। नेहा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता, पर क्या करती। खुशी भी बच्ची ही थी, इसलिए बार बार दादाजी करके ससुर जी के पास दौड़ी चली जाती। कभी उनसे हंसी ठिठोली करने की कोशिश करती तो कभी मस्ती, लेकिन हर बार ससुर जी उसे डांट कर भगा देते। एक दिन खुशी के हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया। बस फिर क्या था, ससुर जी खुशी पर बहुत बुरी तरह चिल्लाए और उस पर हाथ उठाने लगे। ऐसे में नेहा दौड़ कर आई और खुशी के सामने आकर खड़ी हो गई।
किस्मत से उस वक्त सौरभ भी घर में ही था। जब उसने ये नज़ारा देखा तो वो अपने आप को रोक न सका और उसने गुस्से में अपना सच अपने पिता को बता दिया। जो लावा उसके अंदर इतने सालों से दबा हुआ था वो फट पड़ा। वो चिल्ला कर बोला कि पापा, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी खुशी से? अगर प्यार नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन इतनी नफरत? आज आप एक सच सुन लीजिए, आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, आपके बेटे में ही खोट है। और मुझे इस बदनामी से बचाने के लिए ही नेहा ने खुशी को गोद लिया और सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। वो चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती, क्योंकि कमी उसमें नहीं मुझ में थी। पर उसने मेरे और इस घर के लिए त्याग किया, उसकी कद्र करने की जगह आप। इतना सुनते ही सौरभ के पिता तो धड़ाम से सोफे पर बैठ गए। ये बात सुनकर वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके अपने बेटे में ही खोट थी। उन्होंने तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि बात ये भी हो सकती है। वो तो हमेशा उस दिन को कोसते रहे जब उन्होंने नेहा से सौरभ की शादी के लिए हाँ कहा। पर उन्हें नहीं पता था कि नेहा इतना बड़ा दर्द अपने मन में छुपाए बैठी थी। एक झटके में ससुर जी को पिछले 6 साल याद आ गए, किस तरह उन्होंने हमेशा नेहा को ताने दिए और किस तरह उन्होंने हमेशा खुशी को धुतकारा। नेहा चाहती तो उन्हें पलट कर जवाब दे सकती थी, लेकिन वो हमेशा चुप रही। एक पल में ही ससुर जी बदल गए। उन्होंने रोते हुए नेहा से अपने किए की माफ़ी मांगी। नेहा ने कहा, पापा आप माफ़ी मत मांगो, बस मेरी खुशी को अपना लो। ससुर जी ने दोनों हाथ फैलाकर खुशी को पहली बार अपनी बाहों में भरा। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात का सबूत दे रहे थे कि अब उन्होंने दिल से खुशी को अपना लिया था। इधर सबको सच बताने के बाद सौरभ के चेहरे पर भी एक सुकून था। वो सच छुपाकर अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस करता था। अपने आप को नेहा और खुशी का कसूरवार समझता था, लेकिन आज इस तरह अपने पिता को खुशी को अपनाते हुए देखकर सौरभ का मन भी हल्का हो गया।